अगर देखो लाइन की इक्वेशन है वो एक पॉइंट से पास होगी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 ठीक, और किसी वेक्टर के पैरेलल है, उस वेक्टर के dr मान लो दिए हुए हैं मुझे a b c, तो लाइन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में देखो क्या हो जाएगी, r is equal to a plus lambda b बोलते हैं, a क्या fx वेक्टर है, r क्या होगा, r होगा xi plus yj plus zk, xy is equal to पॉइंट होगा, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, a कितना हो जाएगा x1i plus y1j प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है ए बी सी मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी, तो वैसे होगा ना वेक्टर इक्वेशन, अब दोनों साइड से मैं आई के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देता हूं, जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देता हूं और ए के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देता हूं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे तो y माइनस y1 अपॉन b, दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, दोनों के दोनों लैम्डा है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन।